मैं तुमको बहुत याद करूं, बहुत याद करूं, तुम्हारा जप करूं, ध्यान करूं, मेरे जीवन में धर्म आए और संसार के प्रति गलत जो चीजें हैं उसके प्रति वैराग्य हो जाए, लोभ में वैराग्य हो जाए, काम में वैराग्य हो जाए, क्रोध से वैराग्य हो जाए। हमारे जीवन में वैराग्य होना चाहिए, क्रोध से वैराग्य करो, लोभ से वैराग्य करो, काम से वैराग्य करो, वासना से वैराग्य करो। भगवान ने तथास्तु बोल दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान ने दे दी नारायण वो चीजें दे दी जो कुंती के लिए बहुत जरूरत थी। भगवान चले गए द्वारका। द्वारका में भगवान का स्वागत हुआ नारायण। इधर उत्तरायण आया। उत्तरायण आने के बाद पांचों पांडव भगवान के साथ वहां पहुंचे थे और भीष्म पितामह को भी दर्शन दिए भगवान ने। महाभारत में महान पात्र हैं भीष्म पितामह, और वो ऐसा पात्र है जो भगवान की भगवत्ता को जानने वाला है। उनको मालूम था ये कृष्ण कोई सामान्य पुरुष नहीं, ये भगवान है। भगवान भगवान के उन्होंने दर्शन किए और अंत में भगवान को याद करते करते उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। भीष्म पितामह परम भागवत में गिने जाते हैं। भगवान के द्वारका जाने के बाद नारायण एक पात्र महाभारत का ऐसा अभिशप्त है, आप उसको कभी अच्छा नहीं बोलोगे। और वो अभिशप्त पात्र हैं धृतराष्ट्र। परीक्षित का जन्म हुआ है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है और हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर जी महाराज युद्ध का आरंभ छोड़कर, युद्ध छोड़कर तीर्थाटन करने के लिए गए हैं। बहुत लंबा समय गुजर गया है और उनको मालूम भी पड़ गया विदुर जी महाराज को महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव मारे गए और युधिष्ठिर जी महाराज हस्तिनापुर के सम्राट बने हैं। और ये घटना उस समय की है कि भगवान का विश्वधाम गमन हो गया था। विदुर जी महाराज के मन में बात एक आ रही थी, मेरा भाई धृतराष्ट्र मेरा भाई है, लेकिन वो अभी भी हस्तिनापुर में पड़ा हुआ है, बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा, और अभी भी उसके मन में पांडवों के प्रति द्वेष है, भीम के प्रति द्वेष है, उसका उद्धार कैसे होगा। और वो सोच रहे थे कि धृतराष्ट्र का भी उद्धार हो, धृतराष्ट्र का भी उद्धार हो। और उनके जीवन में, उनके मन में एक दूसरी भी बात थी, भगवान का स्वधाम गमन हो गया है, समाचार लेने के लिए अर्जुन गए हैं द्वारका, वापस आएंगे और पांडवों को मालूम पड़ेगा कि भगवान का स्वधाम गमन हो गया है, यदुवंशियों का विनाश हो चुका है। और ये बात पांडवों को मालूम पड़ेगी, पांडव भी संन्यास लेके चले जाएंगे, उस समय ये धृतराष्ट्र मेरा भाई कहाँ रहेगा। पांचों पांडव संन्यास लेके वन में जाएंगे और क्या उस समय भी ये धृतराष्ट्र घर में रहेगा, और उस समय इसके जीवन में क्या होगा। अपने भाई की चिंता, और वो पहुंच गए हस्तिनापुर। बड़ा सुंदर ये प्रसंग है, सबको मिले विदुर जी महाराज और रात्रि के समय अपने भाई को बोला, भैया आपको अब वैराग्य धारण कर लेना चाहिए, सबका त्याग करके आपको वन में जाना चाहिए और वन में जाके भगवान का भजन करना चाहिए। धृतराष्ट्र को बात समझ में नहीं आई। धृतराष्ट्र ने कहा कि थोड़ा रुको, अभी थोड़ा रुको। आदमी हमेशा टालता है, अच्छी बात को टाल देता है, बोले और थोड़ा समय गुजार जाए, और थोड़ा। बहुत गुस्सा आया विदुर जी महाराज को। विदुर जी महाराज को मालूम था अब समय समाप्त है। विदुर जी महाराज ने एक बहुत ही कठोर शब्द का प्रयोग किया, नारायण अहो मही यशी जंतोर जीविताशाया भवान भीमा पवर्जितम पिंडम आदत्ते गृह पालवत। आपको शर्म आनी चाहिए, महाभारत का युद्ध आपके द्वारा हुआ और उसके बाद पांडवों के महल में पांडवों के साथ रहते हो, पांडवों से द्वेष करते हो,
अभी भी तुम्हारे मन में भीम के प्रति क्रोध है, आवेश है, तुम्हारा वश चले तो उसको मार डालो। और भीम के द्वारा, पांडवों के द्वारा दिया हुआ भोजन करते हो, कुत्ते की तरह तुम्हारी जिंदगी है, होश में आ जाओ। तुमको मालूम है भीम तुमको कुत्ता बोलता है, ऐसे ही बोल दिया उन्होंने वैराग्य प्रकट करने के लिए, वैराग्य पैदा करने के लिए। ऐसा कभी पांडवों का कोई आदमी बोल नहीं सकता था धृतराष्ट्र के लिए नारायण, लेकिन ये विदुर की नीति थी। विदुर जी महाराज ने ऐसा शब्द बोला वैराग्य पैदा करने के लिए, भीम तुमको कुत्ता बोलता है, मालूम है तुमको। और जैसे कुत्ता शब्द सुना, भगवान की गीता सुनी थी, उस समय वैराग्य नहीं हुआ, लेकिन विदुर जी का वो कुत्ता शब्द सुना और वैराग्य हो गया। उसने पूछा क्या सचमुच भीम मेरे को कुत्ता बोलता है? बोले हाँ भैया, वैराग्य हो, वैराग्य हो गया। उठ के खड़े हो गए, गांधारी भी उठ के खड़ी हो गई नारायण, और संजय उनके साथ हो गए, और वो चले गए सप्त सरोवर हरिद्वार, और वहां कुटिया बना करके भगवान का भजन करने लगे। आहा हा, ये धृतराष्ट्र के जीवन का बहुत पवित्र समय, मंगलमय समय। धृतराष्ट्र ने अपने जीवन में कभी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन यहां सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं पांचवें दिन में समाधि लग गई उनकी। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अच्छा काम किया था जिसके कारण उनको समाधि लगी? मेरा एक प्रश्न है, भगवत गीता कितने लोगों ने सुना? भगवत गीता को किसने सुनाया मालूम है आपको? समय कम है, मैं ही समाधान और मैं ही उत्तर, मैं ही प्रश्न और मैं ही समाधान। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई और अर्जुन ने सुनी, दूसरे संजय ने सुनी, तीसरे धृतराष्ट्र ने सुनी, और चौथे हनुमान जी महाराज ने सुनी। श्रीमद भगवत गीता को चार श्रोताओं ने सुना है, ऊपर हनुमान जी हैं, रथ के मध्य में अर्जुन है, दूर देश में व्यास की कृपा से बैठकर संजय कथा श्रवण कर रहे हैं, गीता श्रवण कर रहे हैं, और संजय के द्वारा धृतराष्ट्र श्रवण कर रहे हैं। चार लोगों ने गीता सुनी। हनुमान जी महाराज तो ज्ञानी पुरुष हैं, मोक्ष को उपलब्ध, आत्मोपलब्ध, उनको गीता सुनने का कोई प्रयोजन नहीं था। अर्जुन ने गीता सुनी और सुनने के बाद घोषणा कर दी, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। गीता का प्रयोजन मोक्ष, आत्मज्ञान उनको मिल गया। नारायण कोशिश की, संजय ने वहां तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन धृतराष्ट्र ने कोशिश ही नहीं की। धृतराष्ट्र तो ब्लैंक रह गया, पूरी गीता सुनी लेकिन मिला कुछ भी नहीं, लेकिन सुनी तो थी भगवान की गीता, वो दिव्य ज्ञान, और बहुत बुद्धिमान था नारायण। वो सारी गीता उसके हृदय में, उसके दिमाग में एक मेमोरी की तरह स्टोर हो गई थी, और वो दिव्य ज्ञान भगवान का कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आप अभी श्रवण कर रहे हो, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस दिव्य भूमि में, इस देव भूमि में, साधु महात्माओं के मध्य में बैठकर आप भागवत की कथा श्रवण कर रहे हो, दिव्य ज्ञान ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये आपके अंदर पड़ा रहेगा, समय आने के बाद ये उगेगा। बहुत सारे बीज जमीन के अंदर पड़े रहते हैं लेकिन उगते नहीं है, समय की प्रतीक्षा करते हैं, और जैसे समय आता है तो सारे बीज उगना शुरू हो जाते हैं। ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं नारायण, वो पड़ी रहती हैं अच्छी, और वो समय आने पर प्रकट हो जाती है। वो गीता का ज्ञान धृतराष्ट्र के जीवन में था, और जैसे वैराग्य हुआ, एक वाक्य सुना उन्होंने कुत्ते वाला, और वो वैराग्य में प्रवेश कर गया, और वैराग्य की भूमि में वो भगवान का सारा ज्ञान प्रकट हो गया। पांचवें दिन समाधि लग गई धृतराष्ट्र की। मेरे को तो लगता है कि आपकी तो और जल्दी लगनी चाहिए है? क्योंकि जितना धृतराष्ट्र दुष्ट प्रवृत्ति का था उतना तो आप नहीं है। देखा गांधारी ने, समाधि की अवस्था में बैठे, कुटिया में आग लग गई, कुटिया में आग लगने के बाद भी उनको मालूम नहीं पड़ा। आप कल्पना कर सकते हो कितनी गहरी समाधि होगी। और उसी कुटिया में धृतराष्ट्र, गांधारी भी प्रवेश कर गई, और वो दोनों
जल करके नष्ट हो गए। विदुर जी महाराज ने देखा और विदुर जी महाराज जी वहां से चले गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। बड़ा सुंदर ये प्रसंग है। अर्जुन के द्वारा मालूम पड़ा नारायण भगवान का स्वधाम गमन हो गया। पांचों पांडवों को मालूम पड़ा, द्रौपदी को मालूम पड़ा, बालक को परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाकर पांचों पांडव चले गए बद्री नारायण। और वहां जाकर के द्रौपदी के साथ तपस्या की। समय आने पर उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। बड़ा सुंदर ये प्रसंग है। हस्तिनापुर नरेश बने हैं परीक्षित जी महाराज, धर्म सम्मत राज्य संचालन करते हैं और उन्होंने कलयुग के ऊपर नियंत्रण किया, अपने राज्य को सत्य न्याय दया करुणा में प्रतिष्ठित कर दिया। और उसके बाद छोटी सी गलती उनके जीवन में आ गई, एक महात्मा का उन्होंने अपमान कर दिया, गले में मरे हुए सांप को डाला और उसका परिणाम ये हुआ, उनको श्राप मिला, सातवें दिन में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। और उसके बाद फिर राजा परीक्षित को भी वैराग्य हो गए। उन्होंने अपने बेटे को राज्य सौंप करके चले गए शुक्रताल गंगा के किनारे, और गंगा के किनारे बैठ करके महात्माओं को प्रश्न पूछ रहे थे, भगवान जिसकी सातवें दिन में मृत्यु होने वाली है उसको क्या करना चाहिए। उसी समय सुखदेव जी महाराज जी का आगमन हो गया। सुखदेव जी महाराज जी को व्यासपीठ पर बिठा दिया, सब लोग जयकारा लगाने लगे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज जी के चरणों में राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु सातवें दिन जिसकी मृत्यु होने वाली हो उसको क्या करना चाहिए। उसके उत्तर में सुखदेव जी महाराज ने जो बोला वही आपकी श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा है। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, कल समय पर आप पहुँच जाएंगे 4 से 7। बहुत सुंदर ये प्रसंग है भागवत के। क्या समाधान दिया सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को, ये आप श्रवण करेंगे। सीताया पतये नमः, सीताया पतये नमः। आखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन अस्मै श्री गुरवे नमः, अस्मै श्री गुरवे नमः। हरारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुलं मनसास्मरामि, बालं मुकुलं मनसास्मरामि। मनोजगं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल।
लाल दिलाल जय हो। भरद्वाजी महाराज की जय हो।
सभी संतों की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, जय जय श्री, श्री राधे। कण कण में विराजमान परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के पावन वांग्मय विग्रह को नमन करते हुए मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी श्री रंगानंद सरस्वती जी महाराज, समस्त श्रद्धेय संतवृंद, भगवान की कथा का श्रवण करने वाले पवित्र आत्मा साधक जन, बड़े ही सौभाग्य से पवित्र धाम में कुंभ मेला क्षेत्र में स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज सेवा शिविर में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के रूप में भगवान की साधना आराधना कर रहे हैं। अनेकों जन्मों का पुण्य जिसके कारण इस मेला क्षेत्र में संतों के मध्य में बहुत ही आनंदपूर्ण कथा का आयोजन, भागवत कथा का श्रवण करने से हमारे जीवन में दो प्रकार के फल मिल जाते हैं, एक दृष्ट फल और दूसरा अदृष्ट फल। दृष्ट फल वो है जो हमें दिखाई नहीं देता है, भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करने से, सत्शास्त्र का श्रवण करने से हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाता है और दिव्य विचारों का संकलन होता है। जीवन जीने के लिए अच्छे विचारों का होना बहुत जरूरी है। हमारा संपूर्ण व्यवहार हमारे विचारों का प्रतिफलन है। पहले विचार उठता है और उसके बाद फिर हमारा आचरण शुरू हो जाता है। आप जितना ज्यादा सत्संग का श्रवण करते जाएंगे उतना ज्यादा अच्छे विचार आपके मन मस्तिष्क में एकत्रित होते जाएंगे और वो अच्छे विचार आपके जीवन का निर्माण करेंगे, वो अच्छे विचार आपके आचरण में आएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है अच्छे विचारों का निर्माण करना और अच्छे विचारों के निर्माण के लिए सत्संग का श्रवण करना बहुत जरूरी है। ये हमारे लिए दृष्ट प्रयोजन है। आप सत्संग के द्वारा क्या ग्रहण कर रहे हैं ये हमें मालूम है, हमारे अंदर कौन से विचार पैदा हो रहे हैं ये भी हमें मालूम है। दूसरा प्रयोजन अदृष्ट है, आप सकाम भाव से सत्संग का श्रवण कर रहे हैं आपको पुण्य मिलेगा और उस पुण्य विशेष अदृष्ट से आप जो मनोकामना करते हैं वो पूर्ण होगी। लेकिन इन दो प्रयोजनों में सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन है अच्छे विचारों को पैदा करना और हमारा जीवन इतना शुद्ध बने वो परमात्मा का मार्ग बन जाए। हमें अपने जीवन को ही परमात्मा का मार्ग बना लेना है। ये हमारा जो जीवन है
ये परमात्मा का मार्ग बने, जीवन बने। हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम सोचते हैं, ये सारी चीजें हमारे जीवन में हैं, यही तो जीवन है। हमारे शास्त्र ने कहा आप परमात्मा को जान सकते हैं, आपका जीवन परमात्मा का मार्ग बन सकता है, लेकिन एक शर्त है, ये हमारा जीवन शुद्ध हो जाए। शुद्ध जीवन के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और इसलिए बहुत जरूरी है, जैसे आप साबुन लगाकर मैल को धोते हैं, वैसे सत्संग रूपी साबुन के द्वारा, दिव्य विचारों के द्वारा जीवन का निर्माण करना, जीवन को शुद्ध बना लेना भी बहुत जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कमियां होती हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में पतन के क्षण आते हैं, लेकिन जो साहसी पुरुष होते हैं वो पतन के क्षणों में भी अपना साहस नहीं खोते और उस पतन को भी उत्थान का मार्ग बना लेते हैं। दुनिया में ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है जिसके जीवन में कोई कमियां ना हो, लेकिन वो कमियां हमारे ऊपर हावी ना हो, बस बात इतनी। राजा परीक्षित एक महान सम्राट है और वो जिस कुल में पैदा हुए वो भी महान धर्मनिष्ठ भगवान का भक्त कुल है। उत्तरा जैसी मां, अभिमन्यु जैसे उनके पिता, धर्मराज उनके दादा, आप कल्पना कर सकते हो, कुंती, भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा की बहन है, सुभद्रा के बेटे हैं अभिमन्यु। आप हर एक दृष्टि से देखेंगे तो वो कुल पवित्र है नारायण, और उसके बाद भी उनके जीवन में एक कमी आ गई। आप उसको बहुत बड़ी भी बोल सकते हैं और आप उसको बहुत छोटी भी बोल सकते हैं। वो गए हैं शिकार करने के लिए, बहुत ज्यादा वो परिश्रांत हैं, थके हैं, भूख लगी है उनको, प्यास लगी है, और वो खोज रहे हैं मेरे को जल मिल जाए, थोड़ा खाने को कुछ मिल जाए, और उन्हें दिखाई देता है एक आश्रम जंगल में, शमिक ऋषि का आश्रम। शमिक ऋषि भी कोई सामान्य पुरुष नहीं है, वो महान भगवान के भक्त हैं। और वो समाधि लगा करके बैठे हैं। सम्राट वहां पहुंचते हैं और चारों ओर दृष्टि डालकर देखते हैं, उनके अंदर का भाव, सम्राट होने का भाव प्रकट होता है, उनके अंदर अहंकार का उदय हो जाता है, मैं सम्राट। और यहां आश्रम में कोई उनका स्वागत नहीं कर रहा है, उनका कोई सत्कार नहीं कर रहा है। जब आदमी के अहंकार पर चोट लगती है तो आदमी व्यथित हो उठता है, और उस व्यथा में वो अनेकों प्रकार की जो नहीं करना है वैसी क्रियाएं कर बैठता है।
आदमी को उस क्षण को संभाल लेना चाहिए। जब आपका अपमान हो जाए, आपका तिरस्कार हो जाए और उस तिरस्कार से आपका मन व्यथित होने लगे, उस व्यथा को हमें सहना है। और उस व्यथा को यदि हमने नहीं सहा तो हम अनुचित कर्म करेंगे। सम्राट है, राजा है, एक महात्मा समाधि लगा के बैठा है, उनका उन्होंने सम्मान नहीं किया, ये कोई अपमान की बात नहीं थी। कोई व्यक्ति आपका सम्मान नहीं कर रहा है तो वो अपमान की बात नहीं है। अपमान करना अलग चीज है और सम्मान नहीं करना अलग चीज है। लेकिन उन्होंने सम्मान नहीं करने को ही अपना अपमान समझ लिया और वो सोचने लगे कि ये महात्मा समाधि लगा के बैठे हैं, ये सोचते होंगे हमें सम्राट से क्या कहा, और ये झूठ मूठ की समाधि लगा के बैठे हैं। एक महात्मा के प्रति ऐसी नकारात्मक बुद्धि निर्मित हो गई राजा परीक्षित के मन में। ये पहला पतन था उनका, वैचारिक पतन था। उन्हें अपने इस वैचारिक पतन से बचना था लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हमें अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए। आप रास्ते से चल रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए रास्ते से गुजरते समय कहां फिसलन है, कहां कंकर है, कहां कांटे हैं। आप ध्यान नहीं दोगे तो आप फिसल जाओगे। आप किसी भी चीज को आप छू लेते तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये नंगे तार तो नहीं, करंट तो नहीं इसके अंदर। आप बिना सोचे तार को पकड़ लोगे तो आपको करंट लगेगा। आदमी को सोच के काम करना चाहिए, काम करने के बाद सोचने का कोई अर्थ नहीं है। दूसरा पतन राजा के जीवन में आया। राजा ने सोचा कि मैं महात्मा की परीक्षा करके देखूंगा ये सचमुच समाधि में है या झूठ मूठ की समाधि लगा रहे हैं, क्या जरूरत थी। राजा को वहां से विदा हो जाना चाहिए था। जो भी उनके मन में बातें आई वो मन में रह जाती, वो एक विचार बन के रह जाती नारायण। लेकिन राजा के मन में वो विचार विचार नहीं रहे, वो जीवन में आ गए, व्यवहार बना, आचरण बना। और वो महात्मा की परीक्षा लेने के तरीके ढूंढने लगे। राजा परीक्षित आश्रम के बाहर आके देखने लगे महात्मा का अपमान कैसे किया जाए, कैसे देखा जाए, इनकी समाधि लगी है वो सही है या गलत है। एक मरा हुआ सांप था बाहर, उन्होंने सांप को देखा और बांध के नोक पर उस सांप को उठा लिया और वो सांप महात्मा के गले में लपेट दिया। देखना चाहते थे महात्मा की समाधि सही है कि गलत। ये बहुत बड़ा पतन था उनका। इतना बड़ा एक व्यक्ति धर्मनिष्ठ और सम्राट, लेकिन उन्होंने एक महात्मा के गले में और उनकी समाधि में बैठे हुए मरे हुए सांप को डाल दिया। और उसके बाद फिर वो ये भी देख नहीं पाए कि इनकी समाधि टूटी कि नहीं। मरे हुए सांप को गले में डालने के बाद थोड़े क्षण वहां रुकना था, उनको देखना था। इनकी समाधि सही है कि गलत, लेकिन नहीं देखा, वहां से चले गए। शमिक ऋषि का छोटा सा बालक वहां पर था, उन्होंने देखा,
मेरे पिता के गले में मरे हुए सांप को डाका डाला। उस बच्चे को बहुत क्रोध आया। उस ऋषि पुत्र ने श्राप दिया जिसने भी मेरे पिता के गले में मरे हुए सांप को डाला है वो सातवें दिन मर जाए। श्राप देकर के वो बालक फूट फूट करके रोने लगता है। ऋषि की समाधि टूटती है। ऋषि को मालूम हो जाता है नारायण मरे हुए सांप को डाला राजा ने और उसके प्रतिक्रिया में मेरे बच्चे ने श्राप दे दिया है। लेकिन आश्चर्य की बात, मरे हुए सांप को डालने के बाद भी श्रमिक ऋषि को कोई दुख नहीं हुआ। उन्होंने बहुत हल्के से उस घटना को ले लिया। उन्होंने कहा राजा को भूख लगी थी, प्यास लगी थी, हमारे द्वारा उनका सम्मान होना था, उनको जल देना था, अन्न देना था, लेकिन नहीं दे पाया। राजा को क्रोध आया और उन्होंने मेरे गले में सांप डाला मरा हुआ। बोले क्या हुआ उससे? कुछ नहीं, जिसका अपमान हुआ उसको अपमान मालूम नहीं पड़ रहा है और जिसका अपमान ही नहीं हुआ उसको अपमान मालूम पड़ रहा है। राजा का अपमान नहीं किया गया लेकिन राजा अपमान महसूस कर रहे हैं और जिसका सचमुच अपमान किया गया उसको अपमान मालूम नहीं पड़ रहा है। श्रमिक ऋषि का अपमान हुआ लेकिन वो सोच रहे थे मेरा कहां अपमान हुआ, मरे हुए सांप को तो डाला और वो क्या है, ठीक है थोड़ा झाड़ लेंगे, थोड़ा स्नान कर लेंगे, बात खत्म है। यही तो विचारों की उच्चता है, यही तो साधु की साधुता है। हमारी साधना और हमारे उच्चतर विचारों की भावभूमि तभी मालूम पड़ती है जब हमारा अपमान हो, हमारा तिरस्कार हो। आपका अपमान ही ना हो तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा आप कितने साधु हैं, आप कितने अच्छे आदमी हैं। उस साधु का हृदय द्रवित हो उठा और श्रमिक ऋषि ने दया कर दी नारायण, जिसने सांप डाला उसके ऊपर दया कर रहे हैं। ये बात गहरी साधुता की बात है, बहुत गहरे ये धर्म की बात है। जब उन्होंने देखा अपने गले में मरे हुए सांप को, राजा को और दोबारा एक श्राप देना था उनको लेकिन नहीं, प्रतिशोध के बदले राजा ने सम्राट के ऊपर करुणा कर दी और उन्होंने अपने सेवक को बोला बेटा जाओ, राजा को तो श्राप मिला, आज से सातवें दिन उसकी मृत्यु होने वाली है, उसके पास जीवन के केवल 7 दिन बचे हुए हैं और इन 7 दिनों में अपने जीवन का उद्धार कर ले। कितनी बड़ी करुणा है। राजा को जाके बता दिया गया राजन आपकी 7वें दिन मृत्यु होने वाली है, आपको श्राप मिला हुआ है। राजा भी कोई सामान्य पुरुष नहीं है, सम्राट परीक्षित आदमी की महानता उनके विचारों में है।
आदमी की महानता उसके आचरण में है। आपका होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपके अच्छे विचारों का होना, आपके आचरण का अच्छा होना बहुत जरूरी है। आप गलती करते हैं ये बुरा नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए हमसे ये गलती हो गई, ये गलती से उभरने का पहला तरीका, ये पहली सीढ़ी है। आपको मालूम चाहिए होना चाहिए आप कहां पर गलत हैं, तो आप सही करने का प्रयत्न करोगे। और आपको मालूम ही ना हो आप कहां गलत हैं, तो आप सही होने का प्रयत्न नहीं कर पाओगे। इसलिए जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए आदमी को मालूम करना चाहिए कि मेरे जीवन में क्या कमियां हैं। और यदि अपने को मालूम नहीं पड़ रहा हो तो दूसरे को पूछ लेना चाहिए, अथवा दूसरे के द्वारा बताने के बाद उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। पहली बात, आदमी को मालूम ही नहीं पड़ता है मेरे जीवन में क्या कमियां हैं, और दूसरी बात मालूम पड़ जाए तो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं रहता है। आदमी को आप हजार बार बोलो कि ये बेटा तुम्हारी गलती है, वो मानेगा ही नहीं। कहां, वो बोलेगा कहां गलती हुई है? आप हजार बार समझाओ कि ये तुम गलत कर रहे हो, बोलेगा कहां गलत कर रहे हैं। तो सुधार की प्रक्रिया खत्म है। और मालूम भी होने के बाद व्यक्ति अहंकार के कारण उसको स्वीकार नहीं करता है, स्वीकार करके उसको दूर जो व्यक्ति करता है उसी के जीवन में सुधार होता है, वो महान बनता है। इसलिए हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं उसको जान लेना चाहिए, उसको स्वीकार करके दूर करने का संकल्प धारण करना चाहिए। राजा परीक्षित ने स्वीकार कर लिया, गलती स्वीकार कर ली, और उनके मन में संकल्प उठा नारायण, अलम 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 बहुत हो गया, अब ये भोग विलास और ये बहुत बड़ा जो साम्राज्य है, बोले अलम इसी के कारण तो हुआ ये सब। मेरे मन पर बोझ था, मैं सम्राट, बहुत सारे सेवक मेरी सेवा में, और उस उन्मत्तता के कारण मैंने अपमान किया साधु का। उन्होंने उसी समय संकल्प लिया, बोले अलम बस 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 बस, बोले बहुत हुआ, अलम माने बस, अब इस वासना के विस्तार को हम विराम लगा देंगे, और अब हमारे जीवन से कभी किसी साधु का अपमान हो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। बाकी बचे कितने दिन हैं? 7 दिन केवल। वैराग्य धारण करूंगा। और उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया। वो सोचने लगे ये घटना घटी ये भगवान की प्रेरणा से, अब मेरे जीवन में वैराग्य होगा, ये घटना यदि नहीं घटती तो मेरे जीवन में वैराग्य नहीं पैदा होता। माने प्रतिकूल परिस्थिति को भी उन्होंने अनुकूलता में ढाल दिया, मानसिक रूप से भी उन्होंने त्याग कर दिया राज्य, अपने बालक को सम्राट बना दिया, और तत्क्षण सर्व साम्राज्य का परित्याग करके शुक्रताल गंगा के किनारे आ गए। महात्माओं के मध्य में जाके बैठ गए, महात्माओं के चरणों में उन्होंने प्रार्थना की, भगवान 7 दिन जिसके जीवन के अस्तित्व के बचे हुए हो उसको क्या करना चाहिए। अतः पृच्छामि संसिद्धिम् योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत्कार्यं नियमानस्य सर्वथा नूनं भगवतो ब्रह्मन् ग्रहेषु ग्रहमेधिना न
लक्षते अवस्थानमपि गोलोहनं क्वचित्। अतः पृच्छामि संसिद्धिं, बहुत सारे महात्मा लोग बैठे थे सामने, मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए जिसकी सातवें दिन मृत्यु होने वाली है, उसको क्या करना चाहिए? प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां दो प्रश्न पूछे हैं, सातवें दिन जिसकी मृत्यु होने वाली उसको क्या करना चाहिए, और जो म्रियमान मनुष्य मात्र है उसको क्या करना चाहिए। इन दोनों प्रश्नों में थोड़ा अंतर है। जिसकी सातवें दिन मृत्यु होने वाली उसकी सातवें दिन ही होने वाली है, अब वो छठे दिन अथवा पांचवें दिन में नहीं होगी। मृत्यु आने वाली हो तो भी नहीं आएगी, क्योंकि ऋषि कुमार ने बोला है कि सातवें दिन होगी, और वो तय हो गया सातवें दिन ही मृत्यु होगी। आप दुनिया की कोई ताकत पांचवें दिन, छठवें दिन, चौथे दूसरे दिन या पहले दिन भी नहीं मृत्यु ला सकती है। अब सात दिन तो निश्चित हुआ, बचा हुआ क्षण, बचा हुआ समय उनके पास है, उसको क्या करना चाहिए। और दूसरा जो प्रश्न है वो म्रियमानस्य पुरुषस्य किम कर्तव्यम्। जो मरणासन्न व्यक्ति है, जिसके मृत्यु का पता नहीं है, उसको भी क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित के सामने सात दिन तो निश्चित है ना, लेकिन आपके पास मालूम नहीं। हमारे समय की कोई सीमा नहीं है, हो सकता है हम एक घंटा बचे, हो सकता है दो दिन बचे, तीन दिन बचे। और एक गहरी बात बोली उन्होंने, म्रियमानस्य सर्वथा पुरुषस्य इह यत् कार्यम्। अच्छा, आप मर रहे कि मरेंगे, ये बड़ा गहरा प्रश्न है। म्रियमान राजा परीक्षित कह रहे हैं कि हम लोग मर रहे हैं, जो मर रहा है ना उसको क्या करना चाहिए, जो मरेगा उसको क्या करना चाहिए प्रश्न नहीं है। जो मर रहा है उसको क्या करना चाहिए, बाहर स्वामी जी हैं, आप ले आना उनको गेट। महामंडलेश्वर जी महाराज, चंद्रशेखरानंद सरस्वती जी महाराज, बहुत गहरा प्रश्न किया नारायण, बहुत गहरा प्रश्न किया। म्रियमानस्य, आप मर रहे हैं, आप मर रहे हैं, मर रहे हैं, क्या आप मरोगे? हम लोग यही सोचते कि हम मरेंगे, बाद में मरेंगे, ऐसा सोचते कि हम मर रहे हैं। हमारे अस्तित्व का हर क्षण समाप्त होता जा रहा है। जैसे आपके जेब में 1000 रुपए हैं, और वो रोज 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 उसके 10-20-50 आप निकाल रहे हैं, तो आपके पैसे खर्च होंगे कि खर्च हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं? आप ये नहीं सोचते कि हमारे पैसे खर्च होंगे, आप ये सोचते हैं कि पैसे खर्च हो रहे हैं। जब आए थे तो 1000 रुपए थे, खर्च हुआ 800 बच गए, और खर्च हुआ 600 बच गए, और खर्च हुआ 500, और खर्च हुआ 200, 100, 99 और 0, 0 बैलेंस हो गया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। आदमी एक अपना निर्मल निश्चित अस्तित्व को लेकर के पैदा होता है,
आपकी उम्र 100 साल है, आपकी उम्र 50 साल है, आपकी उम्र 30 साल है, आपने अस्तित्व के उस समूह को, जीवन को लेकर इस धरा पर जन्म लिया और वो जन्म की पूंजी निश्चित है और एक एक दिन वो जन्म की पूंजी कम होती जा रही है, महीना कम होता जा रहा है, वर्ष कम होता जा रहा है, तो आप बढ़ नहीं रहे, आप कम होते जा रहे हैं, आप प्लस में नहीं है, आप माइनस में हैं। बात सत्य है, ये मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, या कोई शास्त्र बोल रहा है इसलिए भी नहीं, ये आपके जीवन का अनुभव है। हम कम होते जा रहे हैं, हम मर रहे हैं और वो हमारे पास बैलेंस कितना है ये भी मालूम नहीं जीवन का। आपके मोबाइल में बैलेंस डालते हैं वो कम होता जाता है और वो मैसेज आपको बताता भी जाता है इतना रह गया, इतना रह गया, कम से कम वहां तो सुविधा है लेकिन यहां पर तो उतना भी सुविधा नहीं है कि आपके पास जीवन का कितना क्षण बचा हुआ है। इसलिए बहुत गहरे में यहां सुखदेव जी महाराज के सामने राजा ने प्रश्न किया, मृयमानस्य, ये मनुष्य मर रहा है उसको क्या करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न किया नारायण, सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए हैं और प्रसन्न होकर के उन्होंने प्रश्न की प्रशंसा कर दी।